स्वागत है आपका लेसन नंबर 4 में। आज हम बात करने वाले व्हाट एग्जैक्टली इज जीएसटी, और आज हम जीएसटी के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी के डेफिनेशन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कंप्रेहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। तो इस डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया कि जो जीएसटी है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है, राइट? हमने लेसन नंबर 2 में देखा था कि पुराने सिस्टम में क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। लेसन नंबर 3 में देखा कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा था जीएसटी के अंदर, उस पर सिर्फ हम टैक्स लगा रहे थे। तो ये वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है जीएसटी, और इस डेफिनेशन को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला कंप्रेहेंसिव, इसको दे देते हैं 1 नंबर। दूसरा मल्टी स्टेज टैक्स, इसको दे देते हैं 2 नंबर। तीसरा देते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, इसको हम दे देंगे 3 नंबर। और हम इस एक एक वर्ड को बारीकी से समझते हैं। जीएसटी इज कंप्रेहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन ऑन वैल्यू एडिशन। तो कंप्रेहेंसिव का क्या मतलब हुआ? कंप्रेहेंसिव मतलब है कि ये व्यापक टैक्स है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में हर पहलू पे लागू होने वाला टैक्स, व्यापक रूप जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज भी हमने समझा, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर, फिर उसके बाद रिटेलर या एंड यूजर। तो हर एक स्टेज से होकर के गुजरता है। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन सिस्टम के आधार पर ये लगता है। तीसरा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड को हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि एक एमपी हो गया और एक यूपी हो गया। यूपी में यदि कोई माल बना, उसका उत्पादन हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, और वो माल बन करके आया कहाँ, एमपी में, तो टैक्स का वसूल किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। तो डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जिस जगह पे माल की सेवा हो रही है या जहाँ पर माल पहुँचता है, जहाँ से सप्लाई हो रहा है, उस जगह को कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। जिस जगह से माल बाकी जगह सेवा उस माल की दी जाएगी, उसको कहा जाएगा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, और वहीं से उस माल को सप्लाई होगा, मतलब वहीं आपका टैक्स वसूल किया जाएगा, वहीं जीएसटी लगेगा। हमें एक और इस एग्जांपल के माध्यम से आगे बढ़ो। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन का मतलब हुआ कि कोई माल उत्पादन हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और सप्लाई हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया, और वहीं टैक्स वसूल किया जाएगा, वहीं जमा किया जाएगा। तो ये डेस्टिनेशन कंजम्पशन टैक्स भी है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के अंदर कोई उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। मान लो हमें कोई टी शर्ट बना रहे हैं और उसका उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, और ये सप्लाई हो रहा है अमेरिका में। अब क्या होगा? ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं हो रहा है, ये हो रहा अमेरिका में। तो ये क्या होगा? ये एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे निर्यातकों को सबसे अच्छी बात यही है कि निर्यात पे कोई टैक्स नहीं देना होता हमें। तो जो एक्सपोर्ट है, तो यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब यहाँ उत्पादन हुआ, यहाँ माल का विक्रय हो रहा है, तो क्या यहाँ यहाँ वसूल किया जाएगा? नहीं, इस केस में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट को पूरी तरह से टैक्स फ्री रखा गया है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है, एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड है, ध्यान रखें। अभी मैं ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल इसी के विपरीत, कोई अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वहाँ से मध्य प्रदेश या कोई इंडिया के अंदर कोई माल आया, इंडिया में कोई भी जगह पे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा? यस, इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा। जब यहां से माल यहां बन के आया
और पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर ही जो भी स्टेट होगा उसके अंदर ही जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड इसके अंदर एप्लीकेबल हो गया। तो इंपोर्ट पे टैक्स लगेगा, एक्सपोर्ट पे नहीं लगेगा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब माल आप भेज रहे हो तो जिस जगह पे जो भी डेस्टिनेशन होगा उस सरकार को, उस स्टेट को कर वसूल करने का अधिकार होगा। एक और बात मैं आपको इसमें बताता हूं, टैक्स कैसे वसूल किया जाता है, मैं इसी लेसन में आपको बताता हूं। टैक्स होता है CGST, SGST और IGST। अब ये CGST और IGST को कह सकते हैं दोनों भाई भाई हैं और IGST भाई नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कि टैक्स कैसे वसूल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम 10% वाला जो एग्जांपल ले रहे थे उसी को आगे बढ़ाता हूं। यदि मान लो हमने कोई गुड्स है 5000 की कॉस्ट का है और हमने इस पे 10% टैक्स लगाया 500 रुपये, तो ये हो गया 5500 रुपये। यदि यह एक स्टेट के अंदर बेचा जा रहा है, एक स्टेट के अंदर बेचा जा रहा है, तो इस पर टैक्स कैसा लगेगा, ये 10% जो लगा है ये 5% यहाँ लगेगा, 5% यहाँ लगेगा, CGST और SGST। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि बेचा जा रहा है तो इसमें लग जाएगा आपका सीधे 10% और इसमें लग जाएगा IGST, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लग जाता है आपका एक स्टेट में यदि आप गुड्स को खरीद रहे हो या बेच रहे हो एक ही स्टेट के अंदर, है ना। तो ये इसका कलेक्शन कौन करता है, CGST का सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये SGST का करता है स्टेट गवर्नमेंट, और IGST का कौन करता है, ये इसका करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये कब एप्लीकेबल, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। एक होता है इंट्रा स्टेट, दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट जैसे कि शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि एक राज्य के अंदर, मतलब एक स्टेट के अंदर यदि कोई गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था CGST और SGST लगता है। यदि आप इंट्रा स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि कोई गुड्स खरीद रहे बेच रहे हो तो लगता है IGST, मतलब इंट्रा स्टेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आज GST का जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा, कंप्रेंसिव मल्टी स्टेज और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और कैसे टैक्स लगता है, CGST, SGST और IGST, इंट्रा स्टेट क्या होता है और इंटर स्टेट क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या मतलब होता है, यदि कोई इंडिया से बाहर माल जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट हो गया, उसमें डेस्टिनेशन बेस्ड नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट पूरा एग्जेम्प्टेड है। यदि वही आपका बाहर से माल इंडिया में आ रहा है तो डेस्टिनेशन बेस्ड के हिसाब से टैक्स लगेगा, और यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आप माल भेज रहे हो तो जिस स्टेट में सप्लाई होगा, सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, उस स्टेट को सिर्फ GST वसूला जाएगा।